स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल केसीएल ट्यूटोरियल में। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे फार्माकोलॉजी का चैप्टर है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स और इसका पार्ट वन। इसके पार्ट वन में हम लोग 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप लोग को करना क्या है कि वीडियो को देखते रहिएगा और जब भी आंसर देने से पहले वीडियो को पॉज करके चारों ऑप्शन खुद से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा और कमेंट सेक्शन बताइएगा आखिरी में कि आपने 30 में से कितने सवालों का जवाब सही दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में ये रहा आपके सामने, सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस इज ट्वाइस दैट ऑफ नॉर्मल ट्रीटमेंट शुड बी। चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। जी हाँ, और राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर प्राइमरली बाय डायरेक्टिंग डिक्रीजिंग हार्ट रेट एलोन। एंड द राइट ऑप्शन इज ए, प्रोपेनोलॉल। द एंटी हाइपरटेंसिव विच कॉजेज डिक्रीज लिबिडो एंड इम्पोर्टेंस इज। एंड द राइट ऑप्शन इज ए, एटिनोलॉल। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायाजॉक्साइड इज फॉल्स। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, इट कैन कॉज सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। फाइव, अल्फा मेथाइल डोपा इज प्राइमरली यूज फॉर। एंड द राइट ऑप्शन इज ए, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। सिक्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट्स ऑफ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, निफेडिपिन। सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रंट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। एंड द राइट ऑप्शन इज एटिनोलॉल डी। 8. Which of the following drugs should not be used in setting of severe hypertension in elderly or empirical basis? 8. और आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, पैराजोशन। 9. All of the following statement about the clonidine are true except. 9. And the right option is C, पैराजोशन completely antagonize its action. 10. All of the following are useful in the इंट्रावेनस थेरेपी फॉर हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज एक्सेप्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, निफेडिपिन। 11. द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, स्टिमुलेशन ऑफ गुआनालेट साइक्लेज। 12. अ 50 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट्स विथ मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, द ड्रग ऑफ च्वाइस इज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। 13. मैक्सिमम इंसिडेंस ऑफ इंपॉर्टेंस इज सीन विद द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बीटा ब्लॉकर। 14. विच ड्रग्स शुड नॉट बी गिवन इन प्रेगनेंसी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ए सी ई इनहिबिटर। 15. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रालाजिन इज नॉट ट्रू। एंड द राइट ऑप्शन इज बी, इट कॉजेज डायलेशन ऑफ बोथ आर्टरीज एंड वेन्स। 16. द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द यूज ऑफ क्लोनिडीन इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। एंड द ऑप्शन इज बी, इंक्रीज इन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ऑन प्रोलॉन्ग यूज। 17. अ 60 ईयर ओल्ड हाइपरटेंसिव पेशेंट ऑन एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट लोसार्टन इज पोस्ट फॉर हर्निया रिपेयर सर्जरी, द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग शुड बी। एंड द राइट ऑप्शन इज ए, कॉन्टिन्यू टिल द डे ऑफ ऑपरेशन। 18. एन एल्डरली हाइपरटेंसिव हैज डायबिटीज मेलाइटस एंड बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, द बेस्ट मैनेजमेंट इज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, वेराप्रोमिल। 19. ड्रग्स दैट कैन बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इन अ डायबिटिक पेशेंट आर। 19. And the right option is A, losartan. 20. Antihypertensive drugs beneficial or having neutral role in the lipid metabolism. And the right option is A, pyrazosine. 21. Combination use of beta blockers and calcium channel blockers causes. Option number A is correct, heart block. 22. Which of the following is the true regarding enalapril treatment in the patient of the essential hypertension? And the option number A is correct, decreased angiotensin second concentration in the blood. 23. Postural
हाइपोटेंशन इन द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. 23 राइट ऑप्शन इज बी अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर. 24 क्लोनिडीन इज यूज्ड एज अ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट बट इट इज यूज एज अ फास्ट इंट्रावेनस इंजेक्शन. इट कैन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर ड्यू टू. 24 एंड द राइट ऑप्शन इज सी एगोनिस्टिक एक्शन ऑन वैस्कुलर A2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर. 25 बोथ मिथाइल डोपा एंड क्लोनिडीन आर सेफ इन प्रेगनेंसी. रीजन फॉर प्रिफरिंग द फॉर्मेट इज दैट. एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. इट इज लेस लाइकली टू कॉज रिबाउंड हाइपरटेंशन ऑन सडन डिसकॉन्टिन्यूएशन. 25 के बाद 26 ये रॉन्ग है. 26 प्रोलॉन्ग यूज ऑफ हाइड्रोलर्जीन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इज लाइकली टू कॉज. इट कॉजेज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट लूपस एरिथमेटोसिस. 27 द हाइपरटेंसिव एजेंट दैट शुड बी अवॉइडेड इन यंग फीमेल्स बट इन इज यूज टॉपिकली टू ट्रीप एलोपेसिया इज. 27 एंड द राइट ऑप्शन इज सी मिनोक्सिडिल. ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स इंक्रीजेस प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी एक्सेप्ट. 28 राइट ऑप्शन इज ए क्लोनिडिन. 29 फ्रेंड नहीं है. 30 की बात करते हैं हम लोग. विच ऑफ द दीज एंटी हाइपरटेंसिव डू नॉट मैच हैव सेंट्रल एक्शन एंड द राइट ऑप्शन इज डी पैराजोस. ये रहे सारे आपके फ्रेंड्स आंसर. और अगर ये हैं मिस कविता सिंह जो कि प्रयागराज फाफामऊ से हैं संपूर्ण इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी से जिन्होंने ये हमको PPTs भेजा है. अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो आप भी हमको जोड़ भेज सकते हैं PPTs. आप हमें व्हाट्सअप करते हैं और अगर आप बात करना चाहते हैं अपने अनुराग सर से तो आप उन्हें इंस्टाग्राम ट्विटर या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और आप उनसे चैट कर सकते हैं. तो आपने कितने सवालों का जवाब सही दिया फ्रेंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच.